जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए जो भी दोस्त हम लोग का नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज ब्रेक पावर टेस्टिंग हो रहा है, एयर ब्रेक टेस्टिंग हो रहा है, एग्जामिनेशन हो गया है। तो चलिए ये हम गार्ड वैन में आ गए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए एफपी का गैच है जो कि व्हाइट कलर से पेंटेड रहता है, व्हाइट कलर से पेंटेड रहता है। और ये देखिए ये हो गया आपका बीपी का गच है, ग्रीन कलर से हरा कलर से ये पेंटिंग होता है, इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपका बीपी का प्रेशर अभी, चलिए ब्रेक पावर टेस्टिंग हो रहा है, 5 kg/cm² में है। ये देखिए उसी हिसाब से, ये देखिए ये भी आपका 6 आ जाएगा। अभी आपका एप्लीकेशन रिलीज चल रहा है तो एफपी का आपका 6 kg/cm² प्रेशर रहना चाहिए। ये है आपका गार्ड वैन इमरजेंसी वाल्व, यहीं से ही गार्ड से आप हम लोग का कुछ रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रेशर ड्रॉप करते हैं और गाड़ी को रोकते हैं। तो चलिए आज का सेशन में कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सीखेंगे। चलिए एक तो कोच के एंड पैनल में आपका क्या क्या लिखा हुआ रहता है ये सब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो कोच का बाहर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे कि हम लोग कोच का एंड पैनल में आ गए हैं। ये आपका हो गया SLR है। ये देखिए जैसे कि बड़ा X है, इसका मतलब हो गया ये लास्ट व्हीकल ऑफ रैक। ये जो हम लोग का रैक है, ये ट्रेन है, उसका लास्ट व्हीकल है, जो कि आपका गार्ड वैन बोला जाता है, उसको SLR बोला जाता है। तो ये आपका कोई भी रैक में ये लास्ट में रहेंगे। इसके बाद चलिए आपका एंड पैनल में जो भी लिखा हुआ रहता है एक एक करके देखेंगे, जानेंगे। ये देखिए ये हो गया छोटा एक्स, इसका अंदर में आपका ROU लिखा गया, इसका मतलब है ये राउरकेला बेस का गाड़ी है। ये देखिए कोच नंबर हो गया आपका साउथ ईस्टर्न 108734, इसका मतलब हो गया आपका ये आपका SLRD कोच है, ये आपका SLR कोच है, 700 से शुरू हो जाता है, लास्ट 3 डिजिट है। ये देखिए जो 10 मतलब हो गया ये आप लोग का 2010 का मैन्युफैक्चरिंग है, 8 हो गया साउथ ईस्टर्न का जोनल कोड हो गया, आपका 700 से आपका शुरू हो जाता है, आपका SLR कोच का नंबरिंग शुरू हो जाता है। ये देखिए उसके बाद चलते हैं। ये देखिए प्यू पेंट लिखा गया, इसका मतलब हो गया आपका पली यूरिथिन पेंट हुआ है। ये देखिए इसका नीचे में आते हैं पुल टू रिसेट। ये देखिए आपका जब भी आप लोग कोच के अंदर से ACP करते हैं तो यही रिसेट होता है, इसी से ही इसको पुल डाउन करके इसको खींच के ही रिसेट किया जाता है। ये देखिए कोच का आपका एंड प्लेन में एंड वन में आपका हमेशा पीप रहेगा, PEAB पीप, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व रहेगा। यही ऊपर में 2 सेट आपका पिस्ड रहेगा, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस रहेगा। दूर से आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आपका इंडिकेशन लैंप रहेगा, लास्ट व्हीकल है बोल के, ये हो गया लैंप हो गया। ये देखिए जो 75T लिखा हुआ है, 75T लिखा गया है, इसका मतलब हो गया आपका स्क्रू का, आपका जो कपलिंग है स्क्रू कपलिंग है, ये कैपेसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपेसिटी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है TR, इसका मतलब हो गया ये SLR कोच का TR वेट, खाली डिब्बा का वजन 37.1 टन है। उसके बाद देखिए रिटर्न लिखा हुआ है 11/2024 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका नवंबर महीना का आपका 30 तारीख के अंदर, 2024 नवंबर 11 30 तारीख के अंदर ये व्हाट्सएप के अंदर चला जाना चाहिए, इसलिए ये रिटर्न डेट लिखा हुआ है। ये हो गया आपका रिटर्न डेट। ये देखिए इसका स्पीड दिया गया है आपका 100 KMPH के स्पीड में चलेगा, 18 मंथ में इसका POH होता है, पीरियडिकल ओवरऑलिंग। ये देखिए कब हुआ है लास्ट देखते हैं, देखिए डेट बता रहा है आपका KGPW अथरो, मतलब हो गया खड़गपुर वर्षों में ये 26/4/2023 को POH हुआ है, आपका पीरियडिकल ओवरऑलिंग हुआ है। इसके बाद चलेंगे, चलिए नेक्स्ट बाजू में चलते हैं, नज़दीक से देखेंगे, नज़दीक से देखेंगे और जानेंगे आपका एंड प्लेन में जो लिखा हुआ रहता है। ये देखिए पहले आपका ओवरहेड जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है उसका आपका नोटिफिकेशन दिया गया है कि कोच का ऊपर मत चढ़िए, 25,000 का वोल्टेज होता है। ये देखिए
ये भी मतलब हो गया आपका यार ब्रेक हो गया, एंड वन, ये एंड वन हो गया, और दूसरा बाजू में रहेगा आपका एंड टू, ये देखिए। फिर ये अलार्म चेन पुलिंग जब करते हैं रिसेट करने के लिए, दोनों बाजू में दो टू रहता है, इसमें आप रिसेट कीजिए, इसमें ठीक कीजिए, फिर से प्रेशर आ जाएगा। ये देखिए, ये कोच का आपका ट्रांसपोर्टेशन कोड हो गया GSLRD, मतलब इसमें देखिए आपका लगेज पर्सन भी है, गार्ड पर्सन भी है, डिजेबल पर्सन भी है, और GS पर्सन भी है। GSLRD, डी फॉर डिजेबल हो गया, L लगेज हो गया, R फॉर गार्ड हो गया, और आपका GS मतलब सेल्फ जनरेटिंग है, ये सेकंड क्लास है। इसके बाद ये देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, और नज़दीक से लेके जाने का कोशिश करवा रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया आप लोग का शेड्यूल के बारे में लिखा हुआ है, शेड्यूल ABC, हालांकि अभी शेड्यूल सी नहीं होता है। इसके बाद देखिए, ये बोगी वन बोगी टू का एक्सेल और बोलेस्टर का स्प्रिंग का कलर दिया गया है, ग्रुपिंग किया गया है। ये हो, जैसे कि आप लोग जानते हैं YBG कलर होता है, ABC कैटेगरी तीन कैटेगरी में येलो ब्लू और ग्रीन होता है, ये येलो कलर का सेटिंग है। ये देखिए, ये देखिए, उसके बाद चलते हैं नीचे में, थोड़ा चलते हैं, ये देख रहे हैं उसका नीचे में आपका, ये देखिए POH का डेट दिया हुआ है, ये देखिए 26/4/2023 है, KGPW, मतलब ये हो गया खड़गपुर वर्कशॉप में हुआ है, इसका POH हुआ है, पीरियडिकल ओवरऑलिंग हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, कुछ जानकारी लेके मिलेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही, चलिए आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, दूर से थोड़ा ले रहे हैं तो लगभग हमको लग रहा है कि कुछ का एंड पैनल में जो भी आप लोग का कुछ लिखा हुआ रहता है उसका मीनिंग क्या होता है आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को जल्द से जल्द आप लोग लाइक्स कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।